ARL इंफ्राटेक लिमिटेड बिल्डिंग मटेरियल निर्माण की एक अग्रणी संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और फैक्ट्री बगरू एवं बिंदायका के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में स्थित है। ARL इंफ्राटेक लिमिटेड के बगरू कैंपस में आपका स्वागत है। ये कैंपस करीब 1,25,000 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 30 एकड़ एरिया में बना हुआ है और इसमें फाइबर सीमेंट पाइप्स, AAC ब्लॉक्स, कलर कोटेड प्रोफाइल शीट्स एवं GLC शीट्स के निर्माण के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज स्थापित की गई हैं। सबसे पहले हम फाइबर सीमेंट शीट यूनिट देखेंगे। ये कंपनी की प्रमुख यूनिट है और यहाँ नालीदार फाइबर सीमेंट शीट के उत्पादन के लिए दो लाइंस स्थापित की गई हैं। ये शीट्स मार्केट में अंकुर ब्रांड से जानी जाती हैं। फाइबर सीमेंट शीट्स बनाने के लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल है एस्बेस्टोस फाइबर, जो कि ब्राजील, रूस इत्यादि से इंपोर्ट किया जाता है। उच्च क्वालिटी के 53 ग्रेड सीमेंट, जो राजस्थान में स्थित फैक्ट्रीज जैसे वंडर, लाफार्ज, अल्ट्राटेक इत्यादि से आता है। सेल्युलोज पल्प और फ्लाई ऐश, जो कि पावर प्लांट से आती है। ये है लाइन 1। ये लाइन 2005-2006 में शुरू करी गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता करीब 1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस मशीन पर अधिकतम 4 मीटर लंबाई शीट का निर्माण किया जा सकता है। यह है लाइन नंबर 2। इसकी स्थापना 2011-12 में की गई थी। और इसकी उत्पादन क्षमता करीब 1,40,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस लाइन पर एक बार में 6 मीटर लंबाई तक की शीट बनाई जा सकती है। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित ये यूनिट उच्चतम क्वालिटी की शीट्स के निर्माण के लिए सूटेबल है और इनकी देखरेख एवं ऑपरेशंस एक बेहद एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल टीम की निगरानी में किया जाता है। निर्माण के बाद शीट्स को क्योरिंग के लिए कम से कम 14 दिन तक नियंत्रित एनवायरमेंट में स्टोरेज यार्ड में रखा जाता है और फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद इन शीट्स को डिस्पैच किया जाता है। यह है यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, लेबोरेटरी। ARL की ये आधुनिक प्रयोगशाला रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल उत्पाद तक के सभी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित है। एक प्रशिक्षित एवं योग्य प्रोफेशनल क्वालिटी टीम द्वारा संचालित ये लेबोरेटरी लगातार प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार करने में और इनमें नए डेवलपमेंट्स करने में कार्यरत रहती है। ये कंपनी का AAC ब्लॉक्स प्लांट है, जो 2014-15 में शुरू किया गया था। ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट यूरोप से इंपोर्ट किया गया था और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 1,00,000 क्यूबिक मीटर्स है। AAC ब्लॉक्स का इस्तेमाल सभी तरह की इमारतें जैसे घर, अपार्टमेंट, अस्पताल, होटल, विश्वविद्यालय इत्यादि के निर्माण में लाल ईंट की जगह किया जाता है। कंपनी द्वारा निर्मित AAC ब्लॉक्स बाजार में एरोटफ ब्रांड से जाने जाते हैं। AAC ब्लॉक्स के निर्माण के लिए हाई प्योरिटी क्विक लाइम, 53 ग्रेड सीमेंट, क्वार्ट्ज सैंड, फ्लाई ऐश और एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी रॉ मटेरियल को एक ऑटोमेटिक बैच मिक्सर द्वारा पूरी तरह मिलाया जाता है और एक मोल्ड में ढाला जाता है। फिर इसे PLC द्वारा संचालित बैंड सॉ मशीन पर साइज अनुसार कट किया जाता है और फिर इन ब्लॉक्स की ऑटोक्लेव्स में 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टीम से क्योरिंग करी जाती है। ये पूर्णतः क्योर्ड ब्लॉक्स ऑटोक्लेव से निकालकर स्टोरेज यार्ड में डिस्पैच के लिए सही तरह से स्टोर किए जाते हैं। यह है ARL का हाल ही में शुरू किया गया मेटल शीट डिवीजन। यहां पर दो प्रकार की मेटल रूफिंग शीट्स बनाई जाती हैं। पहली लाइन पर अंकुर स्पेक्ट्रा कलर कोटेड प्रोफाइल शीट्स का निर्माण होता है।
इन्हें PPGI या PPGL शीट्स भी कहा जाता है। ये फुली ऑटोमेटिक लाइन वियतनाम से इंपोर्ट करी गई है और अक्टूबर 2017 में स्थापित की गई थी। ये मशीन 30 प्रोफाइलिंग स्टेशंस से सुसज्जित है, जिससे हर बार एक सटीक प्रोफाइल मिलती है और हाई स्पीड के साथ करीब 3000 मेट्रिक टन प्रतिमाह उत्पादन किया जा सकता है। इस लाइन का रॉ मटेरियल कलर कोटेड कॉइल्स है, जो कि देश के टॉप कॉइल सप्लायर्स जैसे कि JSW, नेशनल, उत्तम स्टील जैसी कंपनीज से सोर्स किया जाता है। इस डिवीजन में सेकेंड लाइन अंकुर महाशक्ति GLC शीट्स यानी ग्लैवोल्यूम कॉरिगेटेड शीट्स के उत्पादन के लिए सितंबर 2018 में स्थापित की गई हैं। ये मशीन भी वियतनाम से इंपोर्ट की गई है, जिसमें 40 प्रोफाइलिंग स्टेशंस के साथ करीब 2000 मेट्रिक टन प्रतिमाह रूफिंग शीट्स बनाने की क्षमता है। इस लाइन के लिए उच्चतम क्वालिटी की एल्यू जिंक कॉइल्स अधिकतर कोरिया से इंपोर्ट करे जाते हैं। इनके अलावा इस यूनिट में एक फुली ऑटोमेटिक फोल्डर मशीन, और क्रिम्पिंग मशीन है, जो कि विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज एवं छज्जे बनाने के काम आती हैं। मेटल डिवीजन की इस लेबोरेटरी में कॉइल्स की सारी जरूरी टेस्टिंग की जाती हैं। देश में कुछ चुनिंदा मेटल शीट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास ही ऐसी आधुनिक लेबोरेटरी है, जो कि मटेरियल की पेंट क्वालिटी, उसकी जंग रोधक क्षमता एवं मजबूती टेस्ट कर सके। इस लेबोरेटरी के दम पर ही हम ग्राहक को हमेशा सही क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का दावा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस बगरू कैंपस की सबसे नई स्थापना, कंपनी की नई फाइबर सीमेंट पाइप यूनिट। ARL का प्रमुख पाइप प्लांट जयपुर के नजदीक बिंदायका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 1995-96 में स्थापित किया गया था। 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ इस यूनिट की सालाना उत्पादन क्षमता 21,000 मेट्रिक टन है। ये पाइप्स अंकुर ब्रांड से मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं और मुख्य तौर पर इनका इस्तेमाल बोरवेल केसिंग में किया जाता है। फाइबर सीमेंट पाइप की बढ़ती डिमांड को देखते हुए नवंबर 2018 में ही कंपनी ने बगरू कैंपस में इस नए प्लांट की स्थापना की है, जहां 2 लाइंस के साथ सालाना उत्पादन क्षमता करीब 15,000 मेट्रिक टन है। कई अन्य देश जैसे लेबनान, कनाडा, अंगोला में भी कंपनी के पाइप्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ARL में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस कैंपस की हर यूनिट जीरो वेस्ट डिस्चार्ज के उद्देश्य पर आधारित है, यानी फैक्ट्री से किसी भी तरह का कोई वेस्ट बाहर नहीं फेंका जाता। वर्षा के पानी की बेहतर सिंचाई के लिए इस कैंपस में करीब 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स का निर्माण किया गया है। 30 एकड़ में फैले इस कैंपस में अलग अलग तरह के करीब 1200 पेड़ लगाए गए हैं, जो फैक्ट्री का वातावरण अच्छा रखने में मदद करते हैं। सभी आधुनिक यूनिट्स को सही तरह से संचालित करने और उनका सही रखरखाव करने के लिए इस कैंपस में करीब 650 व्यक्ति कार्यरत हैं, जो पूरी निष्ठा और मेहनत से ARL को लगातार आगे ले जा रहे हैं।